Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What if I asked you about excellence? How will you define excellence? Ki excellence kya hai? So let me give you one definition of excellence. Aur throughout life mujhe is cheez ne bahut help out kiya, jab se mujhe excellence ka, ihsan ka concept pata laga, Islam mein jo ihsan ka concept hai. So technically speaking, in English language, excellence means the ability to do ordinary things extraordinarily well. मैं आपको बहुत सी मिसालें देता हूँ एक्सीलेंस की. जो लोग लाइफ में एक्सीलेंस अडॉप्ट करते हैं वो हमेशा टॉप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि दे डू एवरीथिंग द बेस्ट. वो किसी चीज़ को लाइट नहीं लेते हैं. फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं, उनको असाइनमेंट मिली है. एक स्टूडेंट असाइनमेंट जो है वो आम से पेज पर पेज फाड़ा, उसने कॉपी पर असाइनमेंट की, असाइनमेंट करके टीचर को दे दी. एक स्टूडेंट है, उसने A4 पेजेस लिए, मार्कर से हेडिंग्स दी, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग की, उसने जो है वो मार्जिनस भी लगाई. उसके बाद उसने फाइल में, प्रॉपर फाइल में रख के असाइनमेंट टीचर को दी. हु इज़ द वन हु इज़ डूइंग विद एक्सीलेंस? इवन दो दोनों ने अपना टास्क कंप्लीट किया, लेकिन एक्सीलेंस से जिसने किया, डेफिनेटली टीचर की नज़रों में वो आ जाएगा. ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हम करें, चाहे वो बिज़नेस है, मिसाल के तौर पर आपको बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट किसी को भेजते हैं, ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर किया, आप उसको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से लोगों से ऑर्डर कराया ऑनलाइन. बहुत से लोग हैं जो ऑर्डर एज इट इज़ भेज देते हैं, एक डब्बे में पैक किया होता है, वो डब्बा हमें रिसीव होता है, हम ऑर्डर खोलते हैं, ऑर्डर रिसीव हो जाता है. कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर बहुत खूबसूरत पैकिंग में भेजते हैं, नंबर वन. उसके बाद वो ऑर्डर के साथ एक कार्ड भी भेजते हैं, कार्ड पे लिखा होता है थैंक यू मोहम्मद अली, नाम मेरा या किसी भी उसका बंदे का जिसने ख़रीदा है, उसका नाम लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, वगैरह वगैरह. और कुछ एक आधी एडिशनल चीज़ भी अगर कोई भेज दें, मिसाल के तौर पे एडिशनल चीज़ से मुराद ये नहीं कि कोई एडिशनल प्रोडक्ट भेज दें, एडिशनल चीज़ से मुराद है कोई बहुत ही ऐसी छोटी चीज़, कोई चॉकलेट भेज दी साथ, कोई खजूर भेज दी साथ. सो ये सारी चीज़ें इस तरह इशारा करती हैं कि एक तो ये बंदा जो या बंदी बिज़नेस कर रही हैं, ये बहुत अच्छे घराने से हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी है. दूसरा ये कि एक्सीलेंस के साथ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो कंपस है वो उस तरफ टिल्ट हो जाएगा उनके साथ परचेज करने के हवाले से. ऑटोमेटिकली आपका दिल उधर उस होटल में जाने का करेगा, उस रेस्टोरेंट में जाने करेगा जो एहसान करते हैं, एक्सीलेंस के साथ जो है वो डीलिंग्स करते हैं. सो दिस इज़ वन थिंग विच वी नीड टू लर्न इन आवर लाइफ्स. बहुत से लोग इतना GPA उनका नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो एक्सीलेंस के साथ काम कर रहे होते हैं, एक्सीलेंस से मुराद है कि मतलब डीलिंग्स के हवाले से बहुत एक्सीलेंस के साथ चल रहे होते हैं, तो वो जॉब भी जल्दी पा जाते हैं और ज़ाहिर है कि वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाते हैं. सो Why am I discussing excellence? Because जिस सहाबी का मैं तस्करा आज कर रहा हूँ, he was known from this very quality. In fact, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको nickname भी ये दिया था, तलहा द एक्सेलेंट. सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु. तलहा और ज़ुबैर, ये दो ऐसे नाम हैं जिनका हमेशा थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री इकट्ठे ही नाम आएगा. इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि तलहा और ज़ुबैर, चूँकि वो हमेशा इकट्ठे होते थे, तलहा और ज़ुबैर ये जन्नत में मेरे नेबर्स होंगे. इमेजिन, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में नेबर है, उसका स्टेटस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें. सो तलहा और ज़ुबैर हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से दोस्त भी थे, और तलहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम कबूल करने की स्टोरी है वो बहुत ही ईमान अफरोज़ है. यानी ही वॉज समवन लाइक अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा कि वाई आई शुड एक्सेप्ट इस्लाम, बिकॉज ही न्यू द करेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन से देखते आ रहे थे. और इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, आई गेस ही वॉज 18 ईयर ओल्ड, यानी टीनेजर थे अभी. उनके जो 18-17 साल के लोग थे ना सहाबा में, वो बहुत ही वाइज, बहुत ही मेच्योर, बिज़नेस करने वाले, बिज़नेस टूअर्स पे जाने वाले. सो माय डियर यंगस्टर्स, अगर आप 17-18 साल में अभी तक घर में बैठे गेमें खेल रहे हैं और अपनी मदर और फादर पे डिपेंडेंट है, तो आपको कुछ सोचना चाहिए. बहरहाल, हमें अनफॉर्चुनेटली सिस्टम भी ऐसा दिया गया कि हमारे यहाँ खुराकों की वजह से और ये सिस्टम की वजह से लोग 25-26 साल में जाके तो मैच्योर होते हैं, लेकिन ये कि हमें एक विज़न के साथ चलना चाहिए अपनी औलादों के हवाले से. हमें उन्हें मैच्योर बनाना चाहिए और उन्हें एम्पावर करना चाहिए. इनफैक्ट आई डिड दिस वन एपिसोड ऑफ MA पॉडकास्ट इन विच आई इन्वाइटेड अ 20-year-old माशाल्लाह बॉय हु इज़ मैरिड, हु इज़ डूइंग जॉब, हु इज़ मेकिंग माशाल्लाह गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड नाउ हु इज़ गोइंग टू गेट एडमिशन इन मदीना यूनिवर्सिटी. सो वो आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या विज़न की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सो यस, 18 साल की उम्र में इस्लाम ऐसे कबूल किया कि ये शाम में थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम में अपना बिज़नेस का एक टूर करके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के थ्रू, तो ज़ाहिर है कि शाम के इलाके से रसूलुल्लाह वापस आए,
تو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت طلحہ فوراً مکہ گئے اور انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق جو کہ ان کے ریلیٹیو تھے، کیونکہ دونوں سیم ٹرائب سے تھے، تو ابو بکر صدیق سے جا کر پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یس، اور ہی از انڈیڈ اے میسنجر آف اللہ، تو تمہیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے آگے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ ورسولی، میں بالکل اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ اینڈ ہی بیکیم اے مسلم ایٹ دی ینگ ایج آف 18۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو پھر جو ٹارچر اور پرسیکیوشن سہنا پڑا، دیکھیں یہ ایک رول تھا کہ جو جس ٹرائب کا ہوتا تھا نا، اسی ٹرائب کے لوگ اپنے بندے کو ٹارچر کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ کو اکٹھا ٹارچر کرتے تھے، ٹائی کر کے، ایک دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے، کمر کے ساتھ کمر اور باندھ کے ٹارچر کیا کرتا تھا کون شخص، اس بدبخت شخص کا جو ہے وہ نام ظاہر سیرت میں آیا، ہی واز ان فیکٹ دی کزن آف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام ہے نوفل ابن خالد۔ سو ہی یوز ٹو ٹائی ابو بکر صدیق اینڈ حضرت طلحہ ٹوگیدر اینڈ ہی یوز ٹو ٹارچر دیم۔ اور ظاہر ہے کہ جو پرسیکیوشن اور جو ٹارچر صحابہ کو ہوتا تھا، دیٹ واز ان ایکسپلینیبل، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی دو دو دن پیاسا رکھے، بھوکا رکھے، ہمیں کھانے کو نہ ملے، ہمیں پانی پینے کو نہ ملے، اور ہم ایک ہی جگہ بندھے ہوئے ہیں، تو وی کانٹ ایون امیجن کہ یہ کس طرح کا، ایک مینٹل ٹارچر بھی اور فزیکل ٹارچر تو ہے ہی۔ تو بہرحال اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ شروع سے ساتھ ہیں، غم اور دکھ اور خوشی سب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں، یہ پرسیکیوشن کے وقت بھی، بیٹلز کے وقت بھی، ظاہر ہے کہ پھر خوشی کے موقع پہ بھی، جو بھی اسلامی تاریخ میں واقعات ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بہت ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو دیٹس وائی ان دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بیکاز دے ہیو بور ایوری تھنگ ٹوگیدر۔ سو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو اسپیشل بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز نون ایز طلحہ دا ایکسلنٹ۔ پروفیٹ نے انفیکٹ ان کو تین ٹائٹلز دیے تھے، وہ تین ٹائٹلز ہیں طلحہ الخیر، طلحہ الجود اینڈ طلحہ الفیاض، اور ان کے میننگ کیا ہیں، طلحہ دی ایکسلنٹ، طلحہ دا بینیولنٹ اینڈ طلحہ ہو از ایکسیسولی جینرس۔ وائی واز ہی گیون دیز ٹائٹلز؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو صحابہ، طلحہ رضی اللہ عنہ واز دا پرسن ہو یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ ان این ایکسلنٹ مینر۔ ان کو چھوٹے سے چھوٹا بھی ٹاسک دیا جاتا تھا تو یہ اس کا حق ادا کرتے تھے، اور یہ کوالٹی یقین کریں ہمیں لے لینی چاہیے۔ ہم کیجولی بھی پیش آ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کام چل جائے گا، بن جائے گا، لیکن جب ہم ایکسلنس کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ تو یہ جنروسٹی جب کرنے پہ آتے تھے تو ان سے بڑا جنرس کوئی نہیں تھا۔ جب یہ بینیولنس دکھانے پہ آتے تھے، بینیولنس سے مراد ہے کائنڈنس اور کمپیشنیٹ ہونے پر آتے تھے، کسی کو معاف کرنے پہ آتے تھے تو بہت ہی عمدہ انداز سے معاف کرتے تھے، اور جب یہ ایکسلنس دکھانے پہ آتے تھے، احسان کرنے پہ آتے تھے، تو ان سے زیادہ ایکسلنس سے کوئی اس ٹاسک کو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین ٹائٹلز دیے، ان فیکٹ ہی ایکسلڈ ان ایوری تھنگ ہی ڈیڈ، اور یہ ایک بہت زبردست ٹریٹ ہے، ایکسلنس کا ٹریٹ۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ٹریول کیا، تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کے ساتھ بہت جگہ ٹریول کیا، اور یقین کریں کہ میں نے ٹریول کے دوران وہ کوالٹیز دیکھی ہیں طلحہ میں، یعنی ایکسلنس کے حوالے سے، کہ یہ ہمیشہ دوسروں کا سوچتا ہے جن کے ساتھ یہ ٹریول کر رہا ہے۔ جب کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے، یہ پہلے اپنے ساتھ جو ٹریولرز ہیں ان کا سوچتا ہے، پھر یہ جب کوئی راستے میں ٹریول کے دوران کوئی بھوکا پیاسا کوئی مسکین نظر آئے، یہ اس کو دیتا ہے۔ جنروسٹی امیزنگ قسم کی دکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ اپنی سیٹ شیئر کرتے ہیں، یعنی کیمل پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، جس طرح بھی جا رہے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے، اس کے ساتھ ٹریول کریں، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، وہ کتنا جنرس ہے، وہ کتنا اعلیٰ ظرف کا انسان ہے، وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسلنس کے ساتھ چلنے والا ہے، کیا وہ ٹیم پلیئر ہے یا وہ اپنے ہی دنیا میں رہتا ہے، ایک سیلف سینٹرڈ انسان ہے، یہ ساری باتیں ٹریول میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ٹریول کر کے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ظاہر ہے ٹریول پہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بس پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں کمرے میں، ایوری تھنگ کمز آؤٹ۔ یس، ٹریولنگ از اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو وین یو وانٹ ٹو نو سم ون۔ تو سعید بن زید ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہی واز سم ون ہو واز اے گریٹ ٹیم پلیئر، اے گریٹ ٹیم پلیئر، اور صحابہ تمام کے تمام لوگ ٹیم پلیئرس تھے۔ تو جب تک آپ ٹیم پلیئر نہیں ہوں گے، دوسروں کا نہیں سوچیں گے، صرف اپنی دنیا میں رہیں گے، سیلف سینٹرڈ ہوں گے، آپ نہیں چلنے والے، سیدھی سی بات ہے،
आपको जॉब ही नहीं मिलनी, क्योंकि जॉब में भी हमेशा टॉप पे जो आते हैं वो टीम प्लेयर्स होते हैं। बिजनेस में भी हमेशा जो आते हैं वही आते हैं जो एहसान के साथ चलते हैं, एक्सेलेंस के साथ चलते हैं और टीम प्लेयर्स होते हैं। सो वन स्पेसिफिक इंसिडेंट विच मेक्स हिम वेरी यूनिक एंड स्पेशल फ्रॉम अदर साहबा इज़ दी इवेंट ऑफ बैटल ऑफ ओहद। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैटल ऑफ ओहद में वो किरदार निभाया कि अबू बकर सिद्दीक हज़रत तलहा के बारे में कहा करते थे कि द डे ऑफ ओहद इज़ द डे ऑफ तलहा, यानी सारा का सारा ओहद का जो डे है वो तलहा का डे है। सुभान अल्लाह। वाई? बिकॉज जब ये ख़बर पहुंची कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन घेरने आ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक हो रहा है, तो हज़रत तलहा वहीं से दौड़े जहाँ पर वो मौजूद थे और दौड़ कर तीर की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अपने आप को ह्यूमन शील्ड बना दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेलमेट ज़ाहिर है उनके गाल मुबारक में खुब गया, तो अबू बैदा बिन जर्रा वाज़ द वन जिन्होंने वो हेलमेट अपने दांतों से निकाला और अबू बैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के अगले फ्रंट के दो दांत टूट गए और उनकी फिर ज़ाहिर है लैंग्वेज में थोड़ी लुकनत होती थी, ज़ाहिर है दांत आगे के दो टूटे हुए। तो अबू बैदा का तो ये किरदार था, वो इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन तलहा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर जो है वो सहारा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजर्ड थे, हमारे नबी। तलहा वॉकड ऑल द वे टू द कैंप ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑन द वे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने से एक तीर आ रहा था और वो तीर आगे हाथ कर दिया। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ किया, वो तीर सीधा उनके हाथ में आके लगा और इस वजह से हज़रत तलहा का वो हाथ पैरालाइज हो गया और हज़रत तलहा को कम अज़ कम 24 ज़ख़म लगे थे ड्यूरिंग ऑल दिस एपिसोड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो हैप्पी विद तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और इतना एक्नॉलेज किया उनके एफ़र्ट्स को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि ड्यूरिंग द डे ऑफ ओहद यू शुड हैव सीन मी, ऑन माई राइट वॉज जिब्रील एंड ऑन माई लेफ्ट वॉज तलहा। हालांकि कितने और सहाबा भी थे लेकिन स्पेशल मेंशन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का। अबू उबैदा भी थे और भी कई सहाबा थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन तलहा को स्पेशल क्रेडिट। और फिर हज़रत तलहा ने जब अपने इवन दो उनके तीर खुबा हुए हाथ में फिर भी उन्होंने नबी सल्लम को इस कंधे पे सहारा दे के कैंप तक पहुंचाया और पहुंचा कर फिर बेहोश हो गए। इतनी यानी कुर्बानी, इतने एक्सेलेंस से काम किया, इतना आगे बढ़ बढ़ के काम किया जंगे उहद में नबी सल्लम को और अल्लाह सुब्हान तआला को प्लीज़ करने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो बेहोश हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर जब नबी सल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा लुक आफ्टर तलहा, तलहा को देखो। और फिर उन्होंने इशारा किया और एक ऐसी बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही सेड अगर कोई ज़िंदा शहीद देखना चाहता है, इफ़ समवन वांट्स टू सी अ वॉकिंग मार्टर देन दैट पर्सन शुड सी तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमेजिन के इतने टाइटल्स पहले ही मिले हुए, तलहा द एक्सीलेंट, तलहा द जेनरस, तलहा द बेनिवोलेंट, और अब ये नया टाइटल कि तलहा द वॉकिंग मार्टर। दिस इज़ द एक्सीलेंस ऑफ तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। सो बदर के मौके पे हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक नहीं हो सके थे, ज़ाहिर है कि जंग बदर में उसकी वजह ये थी कि ही अलॉन्ग विद सईद बिन ज़ैद वॉज ऑन स्काउटिंग, तो ये वाली खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, स्काउटिंग कर रहे थे। और जब ये पहुँचे बदर के मैदान में ज़ाहिर है स्काउटिंग करते हुए, उस दौर में ज़ाहिर है कम्युनिकेशन तो इतनी नहीं स्ट्रॉन्ग थी, तो सहाबा को नहीं पता था कि क्या मामला चल रहे हैं, वो अपने अपने काम कर रहे थे। तो ये स्काउटिंग करके जब पहुँचे तो बैटल ऑफ बदर वाज़ ओवर एंड विक्ट्री वाज़ ग्रांटेड टू मुस्लिम। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह क्या मेरा पार्ट मुझे मिलेगा? तो ये मेरे पार्ट से मुराद माले गनीमत नहीं है, यानी ही वाज़ आस्किंग कि क्या या रसूलुल्लाह मैं शरीक नहीं हुआ इतनी इंपॉर्टेंट बैटल में, मतलब I really wanted to be with you, even though वो बैटल में शरीक इस तरह थे कि स्काउटिंग कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस तलहा, यू विल रिसीव योर रिवॉर्ड दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इज्जतें और डेफिनेटली माले गनीमत, वो एक फाइनेंशियल बेनिफिट तो है ही, लेकिन वट ही वॉज लुकिंग आफ्टर वॉज द रिवॉर्ड इन द आखिरत, कि क्या अल्लाह मेरे से खुश हो जाएगा। तो प्रॉफिट ने कहा कि बिल्कुल अल्लाह तुमसे राज़ी है, अल्लाह तुमसे खुश है। तो ये जो देखें, ये जो चाहत है ना अल्लाह को प्लीज़ करने की, ये कब आएगी हमारे अंदर, हमारे मामलात के अंदर ये कब आएगी? हम लोगों को खुश करने में लगे हुए, हम अल्लाह रसूल की खुशी दूर दूर तक हमारे मकासद में, हमारे पर्पज़ में शामिल नहीं है।
हम बच्चे बच्चे से पूछ लें तुम्हारा एम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से पूछ लें, दूर दूर तक इस्लाम पर्पस में शामिल नहीं है, दूर दूर तक अल्लाह का प्लेजर पर्पस में शामिल नहीं है, इल्ला ये कि कोई हो, और ऐसे हैं माशाल्लाह जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, जो अल्लाह रसूल को फोर फ्रंट पर रखते हैं, जो दीन को फोर फ्रंट पर रखते हैं कि मेरा दीन हर्ट ना हो, मेरी कमिटमेंट हर्ट ना हो, मेरी रिलीजियस कमिटमेंट हर्ट ना हो। तो सलाम है ऐसे लोगों को, और हम सब को यही टारगेट करना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह और रसूल की खुशनूदी नंबर वन है। वी हैव टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हान तआला बाय व्हाट्स एवर मीन्स। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह के दीन की सरफराजी है। तो इसलिए अल्लाह ताला इसकी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर पैदा करे, हमारी जो यूथ है वो पहचान ले कि वो कौन है, और यकीन करें ब्रदर्स एंड सिस्टर, जिस तरह आजकल हालात बने फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, जो मुजालिम ढा रहा है इस वक्त स्टेट ऑफ इज़राइल, जो कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दी गई है आपके सामने, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे चल रहा है, यकीन करें दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस्लाम की तरफ वापस आ जाएं। हमारी इज़्ज़त, हमारा ऑनर मुसलमान होने में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करने में है, सहाबा को रेवर करने में। हम उनको फॉलो करेंगे, वो हमें कुछ नहीं देंगे जिनको इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं, और हमें नहीं तरक्की मिलेगी उनके वेज पे जाके। हमारा तरक्की का ज़रिया इस्लाम है। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि तेरा जो सक्सेस है वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया हुआ फार्मूला है वो उसमें है। वो शेर मेरे जहन से निकल गया लेकिन उसका क्रक्स ये है। तो इसलिए काश ये बात हमें समझ आ जाए कि मुसलमान को इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने ला इला इल्लल्लाह कहा है, या जस्ट बिकॉज वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रसूलल्लाह के फॉलोअर्स हैं। इसलिए वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वी नीड टू रियलाइज़ कि मुसलमान क्या होता है, एंड वी नीड टू ओन आवर रिलीजन। ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर, जिस दिन हम अपने रिलीजन को ओन कर लेंगे अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा। सो प्लीज़ डू दिस, टेक इंटरेस्ट इन रिलीजन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। जितनी इस्तात है उतनी प्रैक्टिस आप करें। सो यस, तलहर तलान हो को बस कंक्लूड करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो जो मर्डर हुआ उस्मान गनी सलान हो का, जो शहादत उस्मान गनी सलान हो की थी, उसमें तलहर सलान हो वाज़ एट द साइड ऑफ आयशा सलान हा, और जो सिविल वॉर हुई बैटल ऑफ जमल उसमें तलहा, ज़ुबैर और आयशा सलान हा एक तरफ थे और हज़रत अली ज़ाहिर दूसरी तरफ थे। इवन दो इन सब में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन मुनाफिकीन जो उस दौर के थे उन्होंने एस्केलेट की हालात को, झूठे लेटर्स लिखा करते थे हज़रत अली की तरफ या अमीर मुआविया की तरफ, यानी बहुत कुछ बीच में इन्होंने नेगेटिव रोल निभाया, जिसकी वजह से बदमजगी पैदा होते होते बात यहाँ तक आ गई कि वॉर हो गई और हज़रत तलहा शहीद हुए उस जंग में। ही वॉज़ किल्ड, और हज़रत तलहा अस्तलान हो द रीज़न ही वॉज़ एट द साइड ऑफ आयशा अस्तलान हा बिकॉज वो हज़रत उस्मान गनी से शदीद मोहब्बत करते थे, और उनका बस ये पॉइंट था कि हमें इनके कातिल चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर एंड हज़रत अली अपनी जगह ठीक थे। ये एक अलग बहस है, बहरहाल हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारी एपिसोड का टाइटल ये नहीं है। हज़रत तलहा अस्तलान हो व्हेन ही वॉज़ मार्टर्ड, व्हेन ही वॉज़ किल्ड, हज़रत अली अस्तलान हो केम देयर, और हज़रत अली अस्तलान हो ने उनका चेहरा जो है उसको वाइप किया, गर्द आलूद जो था उसको साफ़ किया, और उसको हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के माथे को चूमा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और रोने लग गए। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत पढ़ी के व नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। ये सूरह हिजर की वर्स नंबर 47 है, इसकी ट्रांसलेशन है कि एंड वी विल रिमूव वट एवर इज़ इन देयर ब्रेस्ट ऑफ रिसेंटमेंट सो दैट दे विल बी ब्रदर्स ऑन थ्रोन्स फेसिंग ईच अदर। तो क्या ही इमोशनल सीन होगा कि तलहा सलान हो का माथा चूमा और कहा कि ऐ अल्लाह मैं इस आयत के बदले, मैं इस आयत के तवसल से, यानी जो आयत मैंने पढ़ी है, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे और तलहा को जन्नत में इकट्ठा कर दे, और वी विल बी ब्रदर्स इन जन्ना जस्ट लाइक वी वर ब्रदर्स हेयर, और जो भी रिसेंटमेंट शिकायत हमारे दिल में थी एक दूसरे के लिए उसको रिमूव कर दीजिएगा। सो वेरी इमोशनल सीन्स आउट देयर। सहाबा की लाइफ इज़ फुल ऑफ सच इमोशनल इंसिडेंट्स, सच इंसिडेंट्स ऑफ कमिटमेंट, डिग्निटी, वैलर। देवर मैन ऑफ डिग्निटी, देवर मैन ऑफ ऑनेस्टी, उन जैसा नहीं आया कोई। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सहाबा को अपना आइडियल बनाएं, और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर कुछ लेना है तो एक्सीलेंस की क्वालिटी लें। और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हम ये भी दुआ करते हैं कि हम भी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے نیبرز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہوں، اور ان سارے صحابہ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. With this dua, I would like to conclude. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ see you in the next week episodes. Till then, take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.